थे एक दिन का मान कितना खाना काट दू? 8 कट्टा काट दू। रोड के ऊपर खेत रखो यार, एक माह की बचत हो रही है को पल्लाव काटता तो बुरा लाशा तो 4-5 दिन की छुट्टी है जो एक फायदा उठा लिया। आज के लिए नेवड़ी बीनी नहीं बहुत ज्यादा काट दू। हां बहुत ज्यादा काट दू, बराबर लगा दू। प्याज 1 नंबर को है, ये को प्याज शायद लगभग मंडी में लगो नहीं, लेकिन भाव 5-5.5 रुपए मिल रही है, जाए कमाने बिल्कुल पोसा रहा। नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का IAS, IPS, RAS, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल, जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाए अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो जिलको सीकर। जिलको सीकर पर आपने बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ ताज सिर करना तान और ये गांव के मान अभी प्याज की खुदाई जो चल रही है आसपास में, आपने एलमन लगे थोड़ा लेट ही क्योंकि काना लोग वो पहली पहली बेच दिया और जगह भाव भी ले लिया, क्योंकि ज्यादातर आप जी मंडी के मान गया तो बैठे भी लोग यही बताए कि जो प्याज है वो काचो आ रहे, ताकि लोगों का अभी थोड़ा पैसेंस करिए कि भाव बाद में मिलेगा कौन मिलेगा, लेकिन वास्तव में देखिए बाकी लोगों की सोच सही भी होगी क्योंकि ज्यादातर अब जो भाव ही डाउन होगा पहले की तुलना का मान लगभग 30-40% भाव अभी रहे ही। तो अठे आप बात करा तो रामकृष्ण किसान ही थे बहुत बड़ा अपने आसपास का, तो साहब सबसे पहले तो यह बताओ कि काना का मान अभी कोई बचवारी हो रही है को नहीं हो रही है? नहीं जी, काना में कोई बचवारी को नहीं है। प्याज लगाने में 3,000 रुपए लेती हैं और खुदाने में एक मजदूर की दहाड़ी है 500 रुपए और बीघा के प्रति 7,000 रुपए और 7,500 रुपए 7,000 खुदवा के लिए और मंडी में जा रहे हैं 250 से लेकर 280, 70, 180, 90, 88 मिल रही है किसानों के मान। ये बात का मान फिर तो मुश्किल हो काम, दो मुश्किल नहीं है, किसानों के बराबर आ रहा है बिल्कुल, कुछ कोई बचत नहीं है। किसान इन कानून प्याज ने खोदवा के लिए लाइक तो है ही नहीं बिल्कुल, उसमें प्लाव कटा दे बहुत बहुत बढ़िया बात है। कानून लगाई खुदाई निर्माण दुआई पानी प्रति बीघा का 15,000 रुपए किसान का खर्चा आ रहा है। ज्यादा में ज्यादा 70 रुपए बिक रही है अभी मंडी का मान? अब ज्यादा ज्यादा 280 का करीबन 280 रुपया आपने देखा तो एक बीघा कितना रुपया बैठी है? एक बीघा का लमसम 20,000 रुपए 40 या 50 कट्टा बीघा प्रति बीघा का निकल रही। सौ में से एक किसान का ही कम से कम 80 या 90 कट्टा निकल रही, बाकी हर किसान के 40 या 50 कट्टा का एवरेज आ रहा है। पिकअप का किराया लग जाता है एक प्रति एक कट्टा आता है 8 रुपए लमसम। आठ रुपए ही और 1,000 रुपए अगर बात करें तो 11 रुपए 15 रुपए 20 में और 1,000 रुपए पिकअप का ही प्लस मजदूर की ध्यान की है और बचवा में कोई उम्मीद नहीं है प्याज में। थे एक दिन का मान कितना खाना काट दो? 8 कट्टा काट दो। कितनी बजे लगो सुबह? दिन के 9 बजे लगो। 9 शाम को कितने बजे नहीं काम करो? शाम का 7 बजे तक ही कर दो। तो आज कल टाबर तो मारे सार के मगर गोडा मान पानी भर दिन के उठे कौन जाए, कितने बजे उठ जाओ सुबह? सुबह 5 बजे उठ जाओ। और जी दिन का मान 5 कट्टा 7 कट्टा काटो तो अभी उम्र कहीं है थरी? उम्र 70 साल की होगी। और 70 का और भी 7 कट्टा काट दे दिन का मान। और जी गोडा गोडा का मान सनम सनम कौन सा नहीं, फिर रात में नींद तो आ जाएगी? चल नहीं नींद को नहीं आवे, नींद आया करेगा। आज के लिए नेवड़ी बीनी नहीं बहुत ज्यादा काट दू? हाँ बहुत ज्यादा काट दू, बराबर लगा दो। सरकारों के निवेदन करबो साथियों से कि जिया गोवा की हुए फिक्स रेट हुआ कि यूं कम तो बिकना ही नहीं चाहिए, तो बियन कोई करना के लिए आपने सब्जी के लिए भी करना चाहिए सरकार ने? सरकार को नहीं करे यहाँ कौन करे? ना ना आ तो राजनीति करे ही नहीं है, तो नेता ही जो क्यों को नहीं करेगा? वोटाल टाइम बताओ, वोटाल टाइम का यहाँ ला है तो दूरी को नहीं करेगा सरकार? सरकूर कर को नहीं है रे भाई, सरकार तो देख ना ही दे बापड़ी बने नेता खा जाए बंद, तो चुनाव वाला दिन तो से जाना ही वो फुलाणु ढीकड़ोर बाद में कन्नोगी को निकल। मुकेश जी फिलहाल एडवोकेट ही और इस टाइम पर काना काट रहे हैं, तो सब पहले तो आज चीज बताओ कि वकीलायत का मान क्या कम पड़ जाएगा पीछा? जी वकालत में कम करना पड़े, रोड के ऊपर खेत रखो यार, एक माह की बचत हो रही है पल्लाव काटता तो बुरा लाशा तो 4-5 दिन की छुट्टी है जो एक फायदा उठा लिया। अच्छा, बुरा तो पल्ला गाने कम से कम पल्लाव काटता, बचत कुछ हो रही को नहीं, सामा आदमी भी को नहीं आता रहे खाना खुद बड़ा नहीं तो को नहीं आता रहे, लेकिन सामा भी आ रही तो 2,500 रुपए तो लगाएगा दिया 3,000 लगभग तो, और 7,500 रुपया खुद आएगा हो रही और 1,000 रुपया कट्टा का हो रही, 1,000 रुपया पिकअप का हो रही, अगर हम कुछ बच रहा कोई पिकअप का रुपया मिलना 12-13,000 रुपया और एक बीघा का माल लगभग एक पिकअप ही निकला लगभग, तो कोई बचत हो रही को नहीं, सामो आ रहे सगड़ो पानी पुनी सो बीज वाड़ो सो सामो है 4,000 रुपया किला तो बीज मोल लियो। दुआई वगैरह भी तो डाली होगी थोड़ी बहुत बात तो है ही, बात आप हिसाब किताब कर, 4 महीना को हिसाब कर लगभग 25-20,000 रुपया बीज भंडार को।
यहाँ का सारे सामू आ रही है, मजबूरी होगी क्या करा। ये बार प्याज की जो खेती नहीं बाबा की बजाय जो गोवा की फसल करी भी फायदो रही होगी। हाँ बिल्कुल फायदो रही हो सर, फायदो रही 2200-2300 रुपया कुंटल गाय लगी होंगी कहीं, और ढांडा फसलों का चारा बिके 400 रुपए मन बिके, बहुत बढ़िया फायदो हुई। चीना सरसों का भी बढ़िया भाव मिला, गेहूँ का भी बढ़िया भाव मिला, और मतलब फसलों में बहुत फायदो रही है। लेकिन एक प्याज को छोड़कर काना तो एकदम सगड़ा फूटा ले मैंने, लेकिन बाबा का मान फूट रहा है तो कानू जा रही है 5-4 रुपए किलो। आपका मान पोसा रही होगा नहीं, ध्यान की हो रही है ज्यादा, ये अगर काना का मान है तो बड़ा बुरा ठिकागा। अब सरकार है जो कदे एक दो दिन में बढ़ा दे या डाटा या चालू करा, ये बात को तो हल को नहीं बेरो को नहीं, लेकिन अकाना में है घाटो है। प्याज एक नंबर को है, यहाँ को प्याज शायद लगभग मंडी में मिलेगा नहीं, लेकिन भाव 5-5.5 रुपए मिल रही है, जो का मान बिल्कुल पोसा रही बात। पहले तो काना का मान हालत खराब होगी किसानों की, अब तावड़ा में किसानों के मलेरिया है, तावड़ा में हिजाजा है, कई का उल्टी दस्तूर है, छोटा बच्चा का ही, कई मजदूर आदमी बापड़ा हमें है, मगर कंडीशन हरी है, आदमी हतारे को नहीं, बिल्कुल ही नहीं आता रहे मजदूर तो जो बिल्कुल ही नहीं है, कोई दो आदमी है किसान है, कोई चार आदमी ही, मैं दो दो तीन तीन कट्टे खोद रही घर का नहीं खोदना पड़ता, घर का नहीं खोदना पड़ता। कोई कमी हुआ तो आप भैया देख माल देख लियो, लेकिन माल एक नंबर को माल मारो, लेकिन फिर भी कोई भाव नहीं है जना इको काई की हो जाए। तो साथियों जी पहले की परंपरा का मान जो प्याज को अतो मॉडर्न जमानों के बावजूद किसान अगर कोई तरीका हो इन स्टोर करवाओ कोई इलाज को नहीं, पहले जी पानड़ा हूँ जी दग देता भी सब अब भी प्याज ने बचा भाई खातर ये सब रखे, लेकिन एक मान जी ऐह रहे हैं कि 5-7 दिन बाद का मान एक मान गल जाए गड़बो शुरू हो जाए प्याज गड़बो शुरू हो गए प्याज करा की गड़बो आ रही है, लेकिन वापस ही नहीं मिल रही किसानों को, तिरपाल कहाँ से लेंगी ढकने के लिए क्या करेंगी। तो एक मान जी तिरपाल दे देना तो गर्मी का मान और ज्यादा खराब हो जाए, लेकिन बारिश का मौसम है साठ मतलब बरसात की साठ लाख जाए मतलब सो खराब हो रही है खानू, 2 रुपया मिलने में नहीं फायदा हो रही नहीं है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्याज छिड़बा लाग रही देखो सब प्याज खराब हो रही, एक नंबर का प्याज छिलको छोड़ दियो अमनियम जैसे आंजना कैसी जी 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो करिया गया देखो वो जाप्त है, मैं तो किसान आदि हूँ मगर तो वही है सिर्फ जाप्त हो इसके अलावा कोई जाप्त नहीं है। तो साथियों वो वीडियो थन कसोक लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखियो, और साथ में थकन भी कोई यहाँ को जिया कोई कोई विचार है कोई आइडियो है कि सरकार ने वो बताना चाहिए तो आज चीज जरूर शेयर कर जो मिलेंगे अगला वीडियो के मान, तब तक के लिए जय सिख कर जय राजस्थान जय हिंद।